और रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, एससी एसटी युवाओं के प्रदर्शन का वीडियो वायरल करने वालों पर कार्रवाई होगी। प्रशासन ने कार्रवाई करने के लिए एडवाइजरी जारी की है। अश्लीलता फैलाने के जुर्म में कार्रवाई होगी। प्रशासन ने लोगों से वीडियो फॉरवर्ड न करने की अपील की है। आपको बता दें कि एससी एसटी युवाओं के द्वारा फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले को लेकर विरोध दर्ज कराया गया था और विरोध में पूर्ण रूप से नग्न होकर उन्होंने प्रदर्शन किया था और यहां पर आते जाते लोगों ने इसके वीडियोस बनाए, वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। अब ऐसे में पूरे मामले पर कार्रवाई किए जाने की तैयारी में सरकार है और सरकार की ओर से चेताया गया है कि ऐसे जिन लोगों ने भी वीडियोस बनाए हैं वे उन्हें वायरल न करें, उन्हें फॉरवर्ड न करें और एससी एसटी युवाओं की तरफ से विरोध जताने के लिए कपड़े उतार कर प्रदर्शन किया गया था और इस प्रदर्शन के दौरान जिन लोगों ने भी वीडियोस बनाए थे उनके लिए कार्रवाई की तैयारी है। ममता हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ममता, कई लोग वहां पर मौजूद थे जिन्होंने वीडियोस बनाए और फिर आजकल सोशल मीडिया पर यूं भी इस तरह की अलग तरह की कुछ वीडियो डालने का सभी को क्रेज रहता है और ऐसे मामले में अब कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है ऐसे लोगों को। कल इस मामले ने जो है वो पूरे प्रदेश भर में एक हलचल मचा दी थी और विधानसभा सत्र के दौरान जो है वो ये हुआ था, जो एसटी एससी वर्ग के जो युवा हैं वो जो है उन्होंने निर्वस्त्र प्रदर्शन किया था और अब इसको लेकर जो है सख्त कार्रवाई के लिए कहा गया है और प्रशासन ने कार्रवाई करने के लिए एडवाइजरी जारी की है, क्योंकि तुरंत जो है सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने लगा था और अश्लीलता फैलाने के जुर्म में आईटी एक्ट की धारा 67A के तहत कार्रवाई होगी और इसके साथ ही प्रशासन ने लोगों से वीडियो को फॉरवर्ड न करने की अपील भी की है और देश भर में हुई पूरे देश भर में अगर हम बात करें तो इस प्रदर्शन की चर्चा हो रही है और अब जगह जगह जो लोग हैं वो सोशल मीडिया पे इसे डाल रहे थे, व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर पे जो है इसको डाल रहे थे, लेकिन अब एडवाइजरी जारी की गई है और सख्त कार्रवाई को लेकर जो है अलर्ट जारी किया गया है कि इस वीडियो को जो है वो फॉरवर्ड ना किया जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए ममता। और अब खबरें पर